Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is Cobb-Douglas Production Function. आइए फ्रेंड्स देखते हैं Cobb-Douglas Production Function में क्या बताया गया है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. दिस थ्योरी Cobb-Douglas थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय Cobb एंड Douglas. मीन्स यहाँ पे दो ऑथर्स थे, एक का नाम था Cobb और दूसरे का नाम Douglas. इन 1928 में ये थ्योरी बनाई गई थी. क्योंकि इसका नाम प्रोडक्शन फंक्शन है इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन पे बेस्ड है ये. दैट इज कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है और कितना हमें उसका आउटपुट मिल रहा है. यहां पर ये थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल स्टडीज. एम्पिरिकल स्टडीज मींस ये बेस्ड है, जो भी स्टडीज इसमें हम कर रहे हैं वो पूरी होल इकोनॉमी में अप्लाई की जा सकती है. विच मीन्स इट कैन बी अप्लाइड टू होल इकोनॉमी. ये प्रोडक्शन फंक्शन जो Cobb-Douglas ने बताया है ये हम पूरी इकोनॉमी में अप्लाई कर सकते हैं. आइए इसे एग्जांपल के साथ बताते हैं और एक इसका प्रोडक्शन फंक्शन भी बताते हैं कि Cobb-Douglas ने अपने प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफाइन किया. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में इन्होंने क्या बताया. Cobb-Douglas ने अपने प्रोडक्शन फंक्शन में इक्वेशन बताई है. जो इक्वेशन है ये क्यू इक्वल्स टू के एल ए रेज टू द पावर सी वन माइनस ए. अब ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी लेकिन अगर इसे आप समझते हैं तो बहुत ही इजी है. आइए फ्रेंड्स इसे समझाते हैं. क्यू जो डिनोट कर रहा है आउटपुट और प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन है तो इस थ्योरी में Cobb-Douglas ने ये बताया है कि कितने यूनिट ऑफ आउटपुट लगा और कितने यूनिट ऑफ इनपुट लगा. ये क्यू डिनोट कर रहा है कि आपने कितना कैपिटल कितना लेबर लगाया तो आपको टोटल आउटपुट मिला, कितना मिला है. तो यहां पर हमें यह बताना है कि Q जो डिनोट कर रहा है आउटपुट या फिर टोटल प्रोडक्शन को. K L रिस्ट पावर A, इट मींस L जो डिनोट कर रहा है वो नंबर्स ऑफ वर्कर या फिर लेबर को डिनोट कर रहा है. यहां पर उसने नंबर्स ऑफ वर्कर के बारे में बताया. नंबर्स ऑफ वर्कर के बारे में बताते हुए उसने बताया है कि कितने लेबर्स हमने लगा लिए तो हमें कितना आउटपुट मिल रहा है. देखिए यहाँ पे जो हमें थर्ड पॉइंट जो समझना है वो है सी, दैट इज यूनिट ऑफ कैपिटल. अब जब हम इक्वेशंस देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एल दिख रहा है, एल मीन्स लेबर, सी मीन्स कैपिटल. लेकिन अभी भी ये इक्वेशन हमें इसलिए समझ में नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर के और ए का मीन्स क्या है. तो फ्रेंड्स देखिए के एंड ए रिप्रेजेंट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. पॉजिटिव कॉन्स्टेंट विथ ए ग्रेटर देन, दैट इज लेस देन वन. A इज लेस देन वन. अब यहां पर यह समझने की बात है कि जो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट बताया गया है K और A को, तो यहां पर यह बता रहे हैं कि आप कितना लेबर लगा रहे हैं और कितना कैपिटल लगा रहे हैं जो आपको टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है. अब यहां पर आपने लेस देन A को वन लिया हुआ है, वन को लेस देन A लिया हुआ है, दैट इज A इज लेस देन वन. अगर एक प्रोडक्शन हमने वन लिया है तो A जो है वो लेस देन वन है. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते तब आपको पता चलेगा कि ये क्या बताना चाह रहा है. एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि वो कितना हमने लेबर लगा लिया और कितना कैपिटल लगा लिया, तो इन सब का कॉम्बिनेशन पता लगाने के बाद हमें आउटपुट कितना मिल रहा है. आइए फ्रेंड्स इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए यहां पर जो आपको इक्वेशंस दी गई थी वो इक्वेशन सेम ही है, दैट इज क्यू के एल. आपको मैंने बताया था क्यू इज अवर आउटपुट, K एंड A जो है वो अपने पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, L लेबर स्टैंड करता है और C फॉर कैपिटल. अब यहाँ पर जो हमने Cobb-Douglas ने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया है वो उसने बोला है कि वो एक कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है. तो फ्रेंड कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब रहता है कि जितना आप प्रोडक्शन के लिए इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट निकलने वाला है. तो अगर एग्जाम्पल लिया है, अगर आप ट्वाइस इनपुट डाल रहे हैं, अगर आप जितना इनपुट डालेंगे, अगर आप इनपुट डबल डाल रहे हैं तो आउटपुट भी ट्वाइस निकलेगा, ऐसा Cobb-Douglas का मानना है. लेकिन यहां पर उन्होंने क्या माना है, 75% एग्जाम्पल लिया है हमने, 75% इंक्रीज इन द आउटपुट. हमारा आउटपुट 75% इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लेबर इंक्रीज कर दिए हैं. इसलिए एल के ऊपर रेस टू द पावर ए है. हम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं कि लेबर के इंक्रीज होने की वजह से ही हमारा 75% ऑफ द आउटपुट इंक्रीज हुआ है. लेकिन आपको पता है कि 100 में से अगर 75 माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 25.
इट मींस 1 इज 100 माइनस 75 इट मींस 25। यहां पर आपका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 25 आता है। तो कैपिटल सिर्फ 25% ही इंक्रीज हुआ है, दैट इज 25% इंक्रीज इन आउटपुट क्यों है, क्योंकि वहां पर कैपिटल की वजह से। तो यहां पर कॉप डॉगलस ने लेबर को मेन माना है। उनका कहना है कि लेबर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर लेबर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो 75% ऑफ द आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए एल इज के रेस टू द पावर ए है। हालांकि कैपिटल अगर हमको बाकी का निकालना है तो 1 माइनस ए दैट इज 1 इज 100 माइनस ए दैट इज 75, 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25। यहां पर उन्होंने बोला है कि 25% इंक्रीज इसलिए हो रहा है प्रोडक्शन में क्योंकि हमने अपना कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज किया हुआ है। ये थ्योरी बताई है कॉप डॉगलस ने। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी एजम्पशंस कुछ बाकी हैं, आइए एजम्पशंस देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एजम्पशंस ऑफ कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहां पर पहला एजम्पशन बोल रहा है इट इंक्लूड ओनली टू इनपुट्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि वो सिर्फ लेबर और कैपिटल को ही इंक्लूड कर रहा है। अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हमारे पास देर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सिर्फ आपके लेबर एंड कैपिटल को ही इंक्लूड कर रहा है, बाकी के दो फैक्टर्स इन्होंने छोड़ दिए हैं। दैट इज वो क्रिटिसिज्म में जा सकते हैं कि ओनली टू फैक्टर्स हैव बीन टेकन, अदर टू फैक्टर्स हैव बीन इग्नोर्ड। सेकेंड एजम्पशन बताता है कि वो होमोजीनियस यूनिट ऑफ लेबर, इट मीन्स आपने जो लेबर यूज किए वो सभी होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस का मतलब रहता है सेम, इट मीन्स जितने भी लेबर हैं वो सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं और सभी सेम टाइप के हैं, जो कि अगर आप फिर से क्रिटिसिज्म में देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सभी लेबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं इन रियल लाइफ। थर्ड एजम्पशन हमें ये बता रहा है देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल करता है। एक्चुअली हमारी कंट्री में परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि मोनोपोलिस्टिक या फिर मोनोपोली प्रिवेल करता है। बाकी के तीन कॉम्पिटिशन हमारी कंट्री में प्रिवेल कर सकते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन रियल लाइफ में नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एजम्पशन के साथ क्रिटिसिज्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये थ्योरी कंपेयर करने में ईजी जाएगी। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्री वेरिएशन, इट मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्री जो रहती है वो सभी फर्म और जितने भी प्रोडक्शन फंक्शंस रहते हैं उनको इंक्लूड करती है। सभी फर्म को मिलाकर ही इंडस्ट्री बनती है, लेकिन ये सिर्फ इंडस्ट्री का ही वेरिएशन देख रहा है। इट मीन्स कॉप डॉगलस ने फर्म के वेरिएशन को इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ इंडस्ट्री के वेरिएशन को ही कंसिडर किया है। फिफ्थ एजम्पशन ये बता रहा है एग्जिबिट कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, यहां पर उन्होंने कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। इट मीन्स उन्होंने बताया जितना आप इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट होगा, लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। कई बार हम इनपुट ज्यादा लगाते हैं और आउटपुट ना नहीं निकल पाता है, और कई बार हमारा इनपुट इतना नहीं रहता फिर भी आउटपुट बहुत ज्यादा निकलता है। तो इन रियल लाइफ ये सारे एजम्पशंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉप डॉगलस ने ये सारे एजम्पशंस बताए हैं। ये है हमारे कॉप डॉगलस के प्रोडक्शन फंक्शन के मीनिंग एजम्पशंस। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।